हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग थ्योरीज ऑफ इमोशन पढ़ रहे थे हम नेक्स्ट थ्योरी है अपोनेंट प्रोसेस थ्योरी ओपोनेंट प्रोसेस ये कहती है कि ऑपोजिट प्रोसेस होता है ऑपोजिट रिएक्शन होता है आपके किसी भी इमोशनल एक्शन का एक ऑपोजिट रिएक्शन होता है तो जब भी हम कोई एक स्ट्रांग इमोशनल रिएक्शन एक्सप्रेस करते हैं तो उसके बाद सडनली एक अपोजिट रिएक्शन होता है उसका फॉर एग्जाम्पल इलेशन इज फॉलोड बाई अ लेट डाउन एंगर इज फॉलोड बाई अ काम इस तरीके से जो भी हमारा इमोशनल रिएक्शन uh, होता है उसके बाद हमें उसका अपोजिट फील uh, होता है सो द रिलेशनशिप इज द फोकस ऑफ अपोनेंट प्रोसेस थ्योरी ऑफ इमोशन द थ्योरी सजेस्ट दैट एन इमोशनल रिएक्शन टू अर स्टिमुलस इज फॉलोड ऑटोमेटिकली बाय एन अपोजिट रिएक्शन तो कोई भी इमोशनल रिएक्शन होगा किसी भी स्टिमुलस को देख के लिए उसके बाद एक ऑपोजिट रिएक्शन होगा सेकेंड रिपीटेड एक्सपोजर टू अटिमुलस कॉज इज द इनिशियल रिएक्शन टू वीकन द अपोनेंट प्रोसेस और अपोजिट रिएक्शन टू स्ट्रेंदन मतलब कि अगर बार बार आप उस स्टिमुलस को रिपीटेडली देखोगे तो आपका जो इनिशियल रिएक्शन था उसको देखकर वो धीरे धीरे वीक हो जाएगा और उसका जो अपोजिट रिएक्शन होता है वो स्ट्रेंदन हो जाएगा कहने का मतलब ये है कि सपोज आपको कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है आप उसको बार बार देखते हो जब सपोज कोई मूवी का एग्जाम्पल ले लेते हैं आपने पहली बार देखी आपको उसको देख के बहुत अच्छा लगा तो आपका जो इनिशियल रिएक्शन था 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 वो क्या हैप्पीनेस था? था, या एक्साइटमेंट धीरे धीरे आपने जब आप उस मूवी को दूसरी बार देखोगे सेकंड टाइम देखोगे तो ये हैप्पीनेस थोड़ी सी कम हो जाएगी फिर तीसरी बार देखोगे और कम हो जाएगी ऐसे अगर बार बार आप रिपीटेडली उस चीज को देखोगे तो आपका ये जो इनिशियल रिएक्शन है ये कम होते होते इसका अपोजिट रिएक्शन आना शुरू हो जाएगा तो आप बोर होना शुरू हो जाओगे तो वो यही कह रहे हैं कि ऑपोजिट कोई भी इमोशनल रिएक्शन होता है उसके बाद उसका ऑपोजिट रिएक्शन होता है और अगर हम रिपीटेडली एक्सपोज होते हैं उस स्टिमुलस से तो वो इनिशियल रिएक्शन वीक होना शुरू हो जाता है और ऑपोजिट रिएक्शन ज़्यादा स्ट्रेंथन होना शुरू हो जाता है तो ये एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पे किसी सर्जन का दिया हुआ है जो एक्स जैसे इनिशियली कोई सर्जन बना है तो उसको स्टार्टिंग में ऑपरेशन वगैरह करके बहुत एक्साइटमेंट होती है तो जब उसे लगता है कि उसने लाइफ सेविंग ऑपरेशन किया है तो स्टार्टिंग में उसे बहुत हैप्पीनेस फील होती है उसके बाद धीरे धीरे जब उसको ओवर एक्सपोजर उसका होता रहता है और बहुत सारे सर्जरीज के बाद उसको वो चीज़ इतनी ज़्यादा वो नहीं करती एक्साइट नहीं करती है अब उसकी जो एक्साइटमेंट वाली फीलिंग है वो धीरे धीरे डिक्रीज़ होके उसके अंदर नेगेटिव फीलिंग्स नेगेटिव का मतलब है वो उसको बोरिंग लगने लगता है फिर वो थोड़ा सा पहले से कम कर देती है ऑपरेशन करना तो इस तरीके से ऑपोजिट रिएक्शन आने लग जाता है अपोनेंट प्रोसेस थ्योरी प्रोवाइड्स इम्पॉर्टेंट इनसाइड द ड्रग एडिक्शन तो ड्रग एडिक्शन के लिए ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है ड्रग एडिक्शन को समझने के लिए ड्रग एडिक्शन में क्या होता है कि जैसे स्टार्टिंग में इनिशियली बहुत ज़्यादा इंटेंस प्लेजर फील होता है ड्रग्स यूज़ करके और धीरे धीरे वो कम होता जाता है और अगर वो नहीं लेते हैं तो विड्रॉल फील होता है तो पहला पॉइंट जो ये कह रहे थे कि स्टार्टिंग में आपको एक इमोशन फ़ील होती है फिर उसके ऑपोजिट फील होता है विड्रॉल जब आप नहीं लेते हो और फिर उसके बाद क्या होता है जब धीरे धीरे ये ड्रग्स लेने की जो एक्सपोजर बढ़ता जाता है तो वो दो तीन एक्सपोजर के बाद आपको वो जो प्लेजर रिस्पॉन्स आ रहा था वो भी कम होना शुरू हो जाता है इसी वजह से उसकी जो एडिक्शन है वो और बढ़ जाती है क्योंकि उसका अमाउंट बढ़ाते जाते हैं तो ये थ्योरी उस चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही है ड्रग एडिक्शन को इन सम अपोनेंट प्रोसेस थ्योरी सजेस्ट दैट अ लॉ ऑफ फिजिक्स एवरी एक्शन प्रोड्यूसेस अ रिएक्शन में अप्लाई टू इमोशंस एज वेल तो ये कह रहे हैं कि जो हमारा फिजिक्स का लॉ होता है एवरी एक्शन प्रोड्यूसेस अ रिएक्शन मतलब हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है वो लॉ इन्होंने इमोशंस के ऊपर अप्लाई किया है कि ऐसे ही हर इमोशन का भी एक ऑपोजिट रिएक्शन होता है और वो साइकिल ऐसे चलता ही रहता है इस तरीके से हम इमोशन फील करते रहते हैं तो ये हमने चार थ्योरीज पढ़ी हैं जिसमें से हमने बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी जो पढ़ी है वो है कैनन बार्ट की जेम्स लांच की और कैचर सिंगर की टू फैक्टर थ्योरी और ये ओपोनेंट उप, प्रोसेस थ्योरी और इमोशनल रिएक्शन के अपोजिट होने की बात करती है फिर आता है बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ इमोशन की बायोलॉजिकली क्या बेसिस है हमारे इमोशंस का क्या ऐसे न्यूरल कनेक्शंस है हमारे ब्रेन में जो इमोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो पहली बात तो ये है कि जो राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है उसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे इमोशनल फंक्शन में राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर मतलब जैसे आपका ये ब्रेन दो हेमिस्फीयर में डिवाइडेड है लेफ्ट और राइट right में तो ये जो राइट right वाला पार्ट है इसका इमोशंस में ज़्यादा रोल होता है राइट हेमिस्फीयर इज स्पेशलाइज फॉर प्रोसेसिंग इमोशनल इंफॉर्मेशन तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो राइट right हेमिस्फीयर है वो स्पेशलाइज्ड है इमोशनल प्रोसेसिंग के लिए इंडिविजुअल्स वि डैमेज टू दी राइट हेमोसफियर हैव डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग इमोशनल टोन ऑफ अनदर अदर पर्सन वॉयस तो जब किसी के राइट right हेमोसफियर में डैमेज होता है तो उसको वॉइस की टोन से किसी पर्सन की इमोशन समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है एंड जिन लोगों जो हेल्दी लोग होते हैं जिनका ब्रेन में कोई डैमेज नहीं होता वो इस चीज़ में बेटर होते हैं कि वो लोगों की वॉयस से या उनके जेस्टर्स वगैरह से उनकी इमोशंस को बहुत जल्दी पहचान जाते हैं जब उनके राइट साइड ऑफ दी हैमिस्फियर मतलब जब उनको इस तरीके से रिप्रेजेंट करी जाती है इन्फॉर्मेशन कि वो राइट right हेमिसफियर की तरफ जाती है तो उसमें वो ज़्यादा जल्दी पहचान जाते हैं एज़ कम्पेयर टू लेफ्ट हैमिसफियर तो वो कैसे होता है राइट right हेमिसफियर को कैसे प्रेजेंट करते हैं वो हमने विजुअल फील्ड जब पढ़ी थी जब हम आई का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे उसमें हमने देखा था ना कि आई में जो होता है के एक साइड इस तरीके से हमें इमेज नज़र आती है ऑपोजिट साइड से जाती है अगर कोई हमारे आ, इस टाइप इधर विजुअल फील्ड में कोई चीज़ है तो वो हमें इस तरीके से दिखेगी और वो अपोजिट साइड ट्रेवल करके जाएगी ऐसे हमने पढ़ा था फिर इस तरफ कोई चीज है तो वो इधर दिखेगी और वो इस साइड जाएगी ट्रेवल करके वो विजुअल फील्ड वाला आपको दोबारा देखना पड़ेगा इस चीज को समझने के लिए और उसमें हमने देखा था कि हम अगर एक विजुअल फील्ड को छुपा दें सपोज इस टाइप इधर हम कोई चीज ना रखें खाली इस साइड पर रखें किसी के जैसे ये किसी की आईज है यहाँ पे और उसके सिर्फ लेफ़्ट विजुअल फील्ड पे हम ये चीज़ रखते हैं तो उसकी इमेज उसके राइट right साइड पे जाके बनेगी तो ऐसे अगर हम कोई चीज़ उसको सामने रखें जिसमें वो आधी चीज़ छुपी हुई है आधी चीज़ नज़र नहीं आ रही और आधी चीज़ नज़र आ रही है जो कि जिसकी इमेज उसके राइट right हेमस्फियर पे बन रही है तो उस केस में वो कह रहे हैं कि वो इमोशंस को बहुत जल्दी आइडेंटिफाई करते हैं एज़ कंपेयर टू अगर इमेज लेफ्ट हैमिस्फियर पे बनती है तो तो इस तरीके से उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है कि अगर हम एक हेमोस्फियर के ऊपर इमेज को फोकस करें तो वो ज़्यादा जल्दी इमोशंस को पहचान लेते हैं कैसे एक्सप्रेशन के थ्रू पहचान लेते हैं अच्छा और एक चीज़ है राइट हेमोसफियर इज ऑल्सो स्पेशलाइज फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस पेशेंट विद डैमेज टू द राइट हेमोसफियर आर लेट्स लेस सक्सेसफुल एट एक्सप्रेसिंग इमोशन ऑल्सो तो ऐसा नहीं है कि इमोशंस पहचानना भी इमोशन एक्सप्रेस करने में भी प्रॉब्लम आती है उन लोगों को जिनका राइट साइड डैमेज होता है और क्या डिफरेंसेस हैं लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर में अगर इन रिलेशन टू इमोशंस मतलब इमोशंस को लेके क्या डिफरेंसेस हैं तो पहला है वेलेंस वेलेंस का मतलब द एक्सटेंट टू विच एन इमोशन इज प्लेजेंट और अनप्लेजेंट तो कितना प्लेजेंट है इमोशन और कितना अनप्लेजेंट है मतलब कितना ज़्यादा हाईली प्लेजेंट इमोशन है और कितना ज़्यादा हाईली अनप्लेजेंट इमोशन है कितनी ज़्यादा है, है कितनी कम है वो वेलेंस जो चीज़ है ना एक तो वो हो जाती है दूसरी अराउजल Arousal मतलब वो कितना इंटेंसिटी की इमोशन है वो कितना इंटेंस है वो इमोशन इन दोनों चीजों को लेके भी लेफ्ट और राइट right ब्रेन में बहुत फर्क है एक्टिवेशन ऑफ द लेफ्ट हेमोस्फियर इज एसोसिएटेड विद अप्रोच रिस्पॉन्स टू रिवॉर्ड पॉजिटिव इफेक्ट मतलब कि जो लेफ्ट हेमोस्फियर है वो किस चीज को रिस्पॉन्स करता है रिवॉर्ड को रिस्पॉन्स करता है पॉजिटिव इफेक्ट को वेयर इज एक्टिवेशन ऑफ द राइट हेमोस्फियर इज एसोसिएटेड विद द अवॉइडेंस एंड विड्रॉल फ्रॉम एवर्सिव सिव नेगेटिव इफेक्ट मतलब कि अगर रिवॉर्ड को अप्रोच करने की बात आती है या पॉजिटिव फीलिंग्स की बात आती है तो उसमें एक्टिवेशन ऑफ लेफ्ट हैमोस्फियर इन्वॉल्व है अगर किसी चीज़ को अवॉइड करने की बात आती है तो उसमें राइट हेमिसफियर इन्वॉल्व है फर्दर दी एंटीरियर रीजन ऑफ दी हेमिसफियर आर एसोसिएटेड प्राइमेरिल विद दस अब एंटीरियर रीजन कौन सा है जैसे कि आप यहां देख रहे हो ये पीछे का पार्ट पोस्टीरियर होता है आगे का पार्ट होता है एंटीरियर रीजन तो जो एंटीरियर रीजन है यहाँ का वो वेलेंस के लिए है वेलेंस वेलेंस ऑफ इमोशंस सो दीरियर रीजन ऑफ द हेमिसफियर आर एसोसिएटेड प्राइमरीली विदेलेंस

अगर uh, कितना इंटेंस इमोशन है उसकी बात होगी तो पोस्टीरियर रीजन इन्वॉल्व होगा फिर उसके बाद दीज फाइंडिंग्स हैव फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑफ द न्यूरल बेसिस साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स फॉर इंस्टेंस डिप्रेशन एंग्जाइटी इन्वॉल्व नेगेटिव फीलिंग्स और इमोशंस बट डिप्रेशन इज यूजली एसोसिएटेड विद लो अराउजल वाइल एंग्जाइटी इज एसोसिएटेड विद हाई अराउजल

पहली बात नेगेटिव इमोशन है तो कहाँ होगा वो उसके ब्रेन में एक्टिवेट होगा अगर किसी के किसी को डिप्रेशन है तो उसका राइट right हेमिस्फीयर में एक्टिवेशन ज़्यादा होगा क्योंकि वो नेगेटिव इमोशन से रिलेटेड है डिप्रेशन प्लस उसके अंदर क्या होता है लो अराउजल होता है तो लो अराउजल के केस में Uh, कौन सा अराउजल है ना अराउजल से रिलेटेड है तो उस केस में जो राइट right साइड का पोस्टीरियर पार्ट है ये वाला एक्टिवेट होगा तो जैसे कि इन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है आपको कि अगर किसी को डिप्रेशन है एंग्जाइटी है मतलब किस डिप्रेशन में क्या है लोअर अराउजल है एंग्जाइटी में क्या है हाई अराउजल है दोनों ही अराउजल से रिलेटेड चीज़ें हैं इसलिए पोस्टीरियर पार्ट में हो रही है उसकी एक्टिवेशन और दोनों ही नेगेटिव इमोशन है इसलिए राइट right साइड में हो रही है एक्टिवेशन तो ये चीज़ें कंफर्म कर चुके हैं अपने स्टडीज़ के थ्रू कि अगर किसी को डिप्रेशन होता है तो उसका यहाँ पे एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है अगर किसी को एंगजाइटी होती है तो यहाँ पे एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है यहाँ पे तो ये ब्रेन इमेजिंग टेक्निक्स के थ्रू पता कर लेते हैं ये कि ब्रेन के कौन से पार्ट में एक्टिवेशन कम ज़्यादा हो रही है तो इससे ये इन्होंने कंफर्म करा है कि जब भी नेगेटिव इमोशंस होंगी तो वो राइट साइड के ब्रेन में दिखेंगी हेमोस्फियर में और अगर वो अराउजल से रिलेटेड होगी तो वो पोस्टीरियर पार्ट पे नजर आएगी ओके तो इस तरीके से इन्होंने कंफर्म करा हुआ है अपने स्टडीज के थ्रू एडिशनल रिसर्च इंडिकेट दैट the स्ट्रक्चर डीप विद इन द ब्रेन ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल अब इमोशंस की जब बात होती है तो एमिकडेला का नाम आना बहुत जरूरी है क्योंकि ये भी इमोशनल रिएक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है ये जो पर्टिकुलर पार्ट part है ब्रेन का एमिकडेला इट इज़ इन्वॉल्व इन आर एबिलिटी टू जज the इंटेंसिटी although नॉट the valence ऑफ the अदर emotions. तो ये किस लिए होता है ये इंटेंसिटी को जज करता है कि जो इमोशंस हैं वो कितनी इंटेंस है फॉर इंस्टेंस from a ट्रेनल disease. The patient was shown slides of faces. यहाँ पे इस यह पेशेंट की बात कर रहे हैं जिसका आ, ब्रेन में जो पार्ट है एमिकडेला वो डैमेज हो गया क्योंकि उसे हेरीडिटरी डिसीज था हेरीडिट्री डिसीज की वजह से ब्रेन डैमेज हुआ तो उस पेशेंट को इन्होंने फेसेस दिखाए थे बहुत सारे और वो फेसेस जो थे उसमें इमोशंस थी जैसे एक सरप्राइज्ड पर्सन का फेस दिखाया था एक हैप्पी पर्सन का एक फियरफुल पर्सन का ऐसे अब उसके आगे कुछ सेंटेंसेस भी थे जैसे कि जो सेंटेंसेस सुन के आपको पता चले कि कोई हंस रहा है या कोई रो रहा है फॉर एग्जांपल जॉडी गिगल्ड एंड लाफ्ट मतलब कि वो बहुत खुश है इसलिए वो हंस रहा है टॉम्स वाइफ एंड चिल्ड्रन और डाइड इन अ कार क्रैश तो ये वाला सेंटेंस सुन के हर कोई कहेगा कि ये बहुत ही सैड सेंटेंस है तो इस तरीके से उस वुमेन को इन्होंने कुछ फेसेस दिखाए इमोशंस वाले और इस तरीके से कुछ सेंटेंसेस भी दिखाए जिससे उसे पूछा गया कि बताओ ये हैप्पीनेस की कैटेगरी में आएंगे या फियरफुल की कैटेगरी में आएंगे या सरप्राइजिंग या एंगर किस तरह का इमोशन वो इनके साथ अटैच करेगी तो ऐसे कंट्रोल ग्रुप भी था एक कंट्रोल ग्रुप में वो पार्टिसिपेंट्स थे जो नॉर्मल थे उनका कोई ब्रेन डैमेज नहीं था तो दोनों को आपस में जब कंपेयर किया गया क्योंकि एमिक किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इंटेंसिटी को जज करने के लिए कि कितने इंटेंस इमोशन है तो रिजल्ट एकदम वही आई जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था जो पेशेंट थी जिसका एमिक डैमेज था उसका रिस्पॉन्स जो था ना वो वेलेंस के केस में तो एकदम वैसा ही था जैसा कंट्रोल ग्रुप का था वेलेंस मतलब वो इजीली बता पा रही थी कि जो इमोशंस है वो प्लेजेंट है कि अनप्लेजेंट है सपोज ये वाला सेंटेंस पढ़ के उसने बता दिया है कि ये हैप्पीनेस के इमोशंस हैं। ये वाला पढ़ के बता दिया है कि ये सैडनेस की इमोशंस बता रहा है लेकिन जब उसकी बात आई थी अराउज़ल की वहाँ पे दोनों में फ़र्क आया पेशेंट के आंसर्स में और कंट्रोल ग्रुप के आंसर्स में फ़र्क आया क्योंकि पेशेंट के केस में उसका एमिकडेला डैमेज था तो इसलिए उसने इतना ज़्यादा उसको इंटेंस इमोशंस को समझ नहीं पाई वो और उसने सबको नॉर्मल रेंज में डाल दिया मतलब इवन इफ़ अगर किसी के घर में वाइफ और चिल्ड्रन की डेथ हो जाती है कार क्रैश में ये वाला सेंटेंस पढ़ के भी उसने यही बोला कि ये एक नॉर्मल सैडनेस वाली लाइन है तो इस तरीके से क्योंकि एमिक डेला जो है वो बताता है कि कितना इंटेंस इमोशन है उस पेशेंट के ब्रेन में वो डैमेज था तो उसने ये चीज़ नहीं जज कर पाई कि कितना इंटेंस सैडनेस है तो यहाँ पे यह पता चला कि जो एमिक डेला है वो इंटेंसिटी को जज करता है और एक चीज़ और के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है जब भी कोई थ्रेटफुल या डेंजरस सिचुएशन होती है जब भी हमारे सामने कोई डेंजरस सिचुएशन होती है जिससे हमें पता चलता है कि हमें डरना है और ये ऐसी चीज़ है जहाँ से हमें भागना है तो उस टाइप की जो चीज़ होती है उसको पहचानने में भी एमिक डेला की ज़रूरत पड़ती है तो साइन ऑफ फियर और एंगर ऑन दी पार्ट ऑफ अदर पर्सन ये चीज़ें समझने में एमिक डेला की ज़रूरत पड़ती है तो ये था बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ इमोशन नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल एक्सप्रेशन मतलब कि हम एक्सप्रेशन देख के या जेस्टर्स देख के कैसे समझते हैं इसमें बॉडी लैंग्वेज भी आ जाएगी बॉडी मूवमेंट वो सब थैंक्स फॉर वॉचिंग